आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। खबर है चंद्रपुर से। चंद्रपुर शहर से सटे वेकुली शक्तिनगर क्षेत्र में वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में आज सवेरे तेंदुआ कैद हुआ है। इस इलाके में पिछले कई दिनों से तेंदुए द्वारा लोगों पर हमला कर जाने से मारने की घटनाएं बढ़ रही है। डालते एक नजर। जिसके कारण लोगों में तीव्र असंतोष फैला हुआ है। लोगों ने आंदोलन मोर्चा कर अपना विरोध भी जताया है, जिसके कारण वन विभाग द्वारा तेंदुए को पकड़ने के लिए एक मुहिम शुरू कर दी है, जिसके तहत चंद्रपुर वन क्षेत्र अंतर्गत दुर्गापुर नियत क्षेत्र के दुर्गापुर आजूबाजू के क्षेत्र में पिछले दो महीनों से जगह जगह पिंजरे लगाए गए हैं। इसके साथ वनकर्मी दिन रात गश्त भी लगा रहे हैं। इसके साथ व्यापक जनजागृति और वेकोली प्रबंधन द्वारा यहाँ की झाड़ियों को काटने का काम शुरू है। यहाँ के लोगों को सतर्क रहने का आह्वान वन विभाग ने किया है। वन्य प्राणी को पकड़ने की मुहिम विभागीय वन अधिकारी प्रशांत खाड़े के मार्गदर्शन में सहायक वन संरक्षक निकिता चौरे RFO राहुल कार्यकार निरंतर प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। वन विभाग के कर्मचारी वनपाल तावाड़े गोजे वासेकर दहगांवकर उमरे बैनलवार चंद्रपुर RRU पथक के वनपाल ढोंडरे दुपारे वनकर खांदवे वन मजूर पोइनकर डांगेर रायपुरे चाहंदे पड़गेलवार आदि सभी वन कर्मचारी निरंतर प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चंद्रपुर से प्रवीण बत्की की रिपोर्ट BCN न्यूज के लिए। WCL परिसरामध्ये साधारणतः एक शक्तिनगर जो परिसर आहे त्याच्या जवळ हा बिबट आता आज पहाटे तो जेरबंद करण्यात आलेला आहे। वास्तविक पाहता या परिसरामध्ये बरेच दिवसापासून बिबटची लोकेशन वन विभागाला होती आणि बरेच दिवसापासून आम्ही प्रयत्न करत होतो। शक्तिनगर परिसरामध्ये जवळपास 4 ते 5 आपण पिंजरे लावण्यात आले होते, पण आज पहाटे तो बिबट आज जेरबंद करण्यात आलेला आहे। जो प्रॉब्लेमॅटिक जो होता एक बिबट तो हा असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही। आणि आता जरी हा बिबट पकडलेला असला तरीसुद्धा ज्या बाकीच्या यंत्रणा आहेत जसं WCL असेल ग्रामपंचायत असेल यांनी आपली जबाबदारी पार पाडावी आणि वनविभागाने वेळोवेळी दिलेले निर्देश हे त्यांनी पालन करावं। आणि नागरिकांनासुद्धा मी आवाहन करतो की त्यांनी या परिसरामध्ये जोपर्यंत सगळी परिस्थिती नॉर्मल होत नाही तोपर्यंत सतर्कता बाळगावी। धन्यवाद।